हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा इनवर्स फंक्शन। ठीक है, दिस इज योर लास्ट पार्ट ऑन इनवर्स फंक्शन। तो देखो, पहले मैं नोट लिखवा देता हूँ, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। तो मैंने बोला, नोट करके लिखो इसको, कि अगर मेरा फंक्शन है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, कंपोजिट फंक्शन, ठीक है, लेट्स से मैं इसको बोल रहा हूँ ओवरऑल एच ऑफ एक्स। तो अगर मेरे को h ऑफ इनवर्स निकालना है तो क्या होगा, जैसे h ऑफ इनवर्स दिस विल बी, जैसे मैट्रिसेस में जैसे मैंने बोला था, तो a इंटू b का इनवर्स क्या होता था, क्या होता था, पहले हम लिखते थे b इनवर्स इंटू a इनवर्स, याद है, वैसे ही इधर होगा, क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा, जो अंदर फंक्शन था g वो बाहर चला जाएगा, इट विल बी g इनवर्स ऑफ f इनवर्स ऑफ। ठीक है, ये कैसे आया उसका प्रूफ भी हम देखेंगे, बट ऑल लिख लेते हैं थोड़ा सा। फिर मैंने लिखा कि गॉफ एक्स लिख लो, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का इनवर्स इस पूरे का इनवर्स, ऐसे लिख लो। चलो मैंने कहा एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, और मेरे को निकालना अगेन एच इनवर्स, क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बताया तुम लोगों को, उल्टा अंदर वाला फंक्शन बाहर चला जाएगा, इट विल बी एफ इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ x, क्लियर है। तो ये हम याद रखेंगे डायरेक्ट, अगर मान लो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, चलो अब सुनना, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें पहले कंपोजिट फंक्शन निकाल के फिर उसका इनवर्स लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली f और g में से काम चल जाएगा हमारा, समझ में आया। अब मैं तीन का ले लेता हूं, जैसे मैंने लिखा f ऑफ g ऑफ h x, लेट्स से इसको मैंने k ऑफ x बोला, इसमें तीन फंक्शन है मेरे f g h, तो अब मैं बोलूंगा कि k of x का इनवर्स क्या होगा, तो अंदर वाले से स्टार्ट करेंगे, h इनवर्स g इनवर्स और फिर f इनवर्स, ये हमारा पूरा आंसर हो गया। तो इसको याद रखेंगे बेटे, ठीक है, दिस इज नॉट मल्टीप्लिकेशन, दिस इज अगेन कंपोजिट फंक्शन, h इनवर्स ऑफ g इनवर्स ऑफ f इनवर्स x, क्लियर हुआ। अब इसका सुपर प्रूफ देख लेते हैं, छोटा सा प्रूफ है, तो वीडियो पॉज करो, इसको पहले कॉपी कर लो नोट, तो प्रूफ करने के लिए मैं दो के लिए कर रहा हूं, इन जनरल हो जाएगा वो, तो तीन के लिए भी चार के लिए सब के लिए एप्लीकेबल होगा। तो मैंने बोला कि लेट्स से ये मेरा सेट ए है, इसके अंदर दो एलिमेंट है अल्फा वन अल्फा टू, और लेट्स से ये मेरा सेट बी है, इसके अंदर दो एलिमेंट है बीटा वन बीटा टू, ठीक है, और लेट्स से अल्फा वन बीटा वन से मैप है और अल्फा टू बीटा टू से मैप है। तो देखना मैं क्या लिख रहा हूं, तो मेरा जो और ये तो मेरा फंक्शन एफ हो गया, दिस इज माय फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और एक और फंक्शन ले लेता हूं मैं, फंक्शन जी, ये हो गया मेरा सेट बीटा वन बीटा टू और लेट्स से गामा वन गामा टू, बीटा वन गामा वन से मैप है, बीटा टू गामा टू से मैप है। तो देखा, अब मैंने तुम्हें बोला जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन हम एक के लिए प्रूफ कर रहे हैं, बाकी सिमिलर कैटेगरी में दूसरा प्रूफ हो जाएगा, तो मैं इसको एच ऑफ एक्स बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब देखना मैं इसमें x की जगह क्या डालू, लेट्स से मैंने अल्फा वन डाला, तो मेरा क्या मिलेगा, h ऑफ अल्फा वन, देखना ध्यान से, h ऑफ अल्फा वन विल बी g ऑफ f ऑफ अल्फा वन, और f ऑफ अल्फा वन क्या है मेरा, अल्फा वन किससे मैप है, बीटा वन से, तो ये हो गया g ऑफ बीटा वन, एंड फाइनली बीटा वन किससे मैप है, गामा वन विद द फंक्शन g, तो ये हो जाएगा मेरा गामा वन, ठीक है। अच्छा, एक और, अब मैंने इसमें अगर एक मिनट, हाँ, अब मैंने एक्स की जगह इधर लेट्स से अल्फा टू डाला, तो मेरा क्या आएगा, एच ऑफ अल्फा टू विच इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ अल्फा टू विच इज फर्दर इक्वल टू जी ऑफ एफ अल्फा टू, किसके बराबर, बीटा टू, तो जी ऑफ बीटा टू एंड दिस फर्दर विल बी इक्वल टू गामा टू, ठीक है। इतना तो ये डायग्राम से लिख लिया हमने। अब सुनना, अब मैंने बोला कि एच के लिए इनपुट अगर अल्फा वन है तो आउटपुट क्या मिल रहा है, मतलब मैंने बोला एच के लिए अगर इनपुट मेरा अल्फा वन है तो मेरा आउटपुट क्या मिल रहा है, गामा वन। तो इनवर्स के लिए क्या होगा, उल्टा होना चाहिए, इनवर्स के लिए देखना, मैं क्या बोल रहा हूं, एच इनवर्स के लिए, एच इनवर्स ऑफ एक्स के लिए गामा वन मेरा क्या होना चाहिए, इनपुट, और आउटपुट क्या होना चाहिए, अल्फा वन, मतलब मुझे एच इनवर्स ऐसा होना चाहिए डिफाइन, so that if I put an input gamma 1, output should be alpha 1, ठीक है। अब देखना बहुत इंटरेस्टिंग चीज, अब मैंने बोला कि gamma 1 input होना चाहिए, ठीक है,
अब ये देखो इन दोनों फंक्शन में गामा वन किसका डोमेन है, जस्ट लुक इनटू द फिगर एंड सोचो उससे कि गामा वन इनपुट किसका है, मतलब किस फंक्शन के लिए वो डोमेन का काम कर रहा है। तो यू विल सी कि गामा वन इज डोमेन फॉर जी इनवर्स, ये जो फंक्शन है ना ये जी इनवर्स, इसके लिए गामा वन इज डोमेन। तो देखो एच इनवर्स के लिए जो एच इनवर्स विल बी कंपोजिट फंक्शन, उसके लिए अंदर फंक्शन कौन सा आने वाला है, जी इनवर्स, तो अंदर आया जी इनवर्स। अब मैंने बोला अल्फा वन, सिंस अल्फा वन इज आउटपुट फॉर एच इनवर्स एक्स, अब ये देखो अल्फा वन जो है वो किसका कोडोमेन है या फिर किसका रेंज है, तो ये सी कि वो एफ इनवर्स का कोडोमेन है या फिर रेंज का पार्ट है। एफ इनवर्स के लिए अल्फा वन इज आउटपुट, तो बाहर मेरा फंक्शन क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स, और ये मेरा किसके बराबर हुआ, दिस इज माय एच इनवर्स एक्स। अब रख के देखो एक बार, देखो जैसे मैंने एक्स की जगह गामा वन रखा, तो गामा वन जी ऑफ जी इनवर्स ऑफ गामा वन क्या आ जाएगा, बीटा वन। मैंने बोला एच इनवर्स ऑफ गामा वन कितना आया, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ गामा वन, और जी इनवर्स ऑफ गामा वन क्या है मेरा, बीटा वन, तो ये हो गया एफ इनवर्स ऑफ बीटा वन। फर्दर एफ इनवर्स ऑफ बीटा वन क्या है, अल्फा वन, तो ये हो गया अल्फा वन। तो देखा बच्चों कैसे सेटिस्फाई हो गया हमारा, इनपुट गामा वन है आउटपुट अल्फा वन, वही तो हमारा रिक्वायरमेंट था एच इनवर्स की। सो दिस इज द फॉर्मूला जो हमने अभी लिखा था नोट में, उसकी इसका डेरिवेशन हो गया। क्लियर है बच्चों, तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो, इसके बेसिस पे तुम्हें शीट में एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है चलो, अब हम एक लास्ट नोट और देखते हैं इनवर्स फंक्शन के ऊपर, दैट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, तो ध्यान देना बच्चों। मैं इसको रब कर देता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग नोट है, देखना। मैंने बोला कि लेट्स से मेरे एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है अच्छा, और एक मैंने ले लिया y इज इक्वल टू x, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है ना, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना, विद द स्लोप 1। मैंने बोला कि लेट्स से ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पे, अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो जो पॉइंट आएगा वो किस टाइप का होगा, सिंस वो जो पॉइंट है वो y इज इक्वल टू x लाइन पे भी लाई कर रहा है, तो उसका x और y कोऑर्डिनेट सेम होगा। तो लेट्स से मैंने मान लिया अल्फा कॉमा अल्फा, मैंने बोला y इज इक्वल टू fx एंड y इज इक्वल टू x इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पे a पे, ठीक है ना, हो सकता है इंटरसेक्ट कर, मतलब मान लिया कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट का टाइप क्या होगा, मतलब उसका x एंड y कोऑर्डिनेट सेम होगा, ठीक है, ये तो हो गया हमारा y इज इक्वल टू fx और x के बारे में। अब मैं x इनवर्स को इंट्रोड्यूस करता हूं। अब मैंने बोला कि अगर एफ एक्स का इनवर्स जी ऑफ एक्स है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, करस्पॉन्डिंग पॉइंट जैसे मैंने क्या बताया था, अगर एफ एक्स पे अगर कोई पॉइंट है ए अल्फा कॉमा बीटा, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट इसके इनवर्स पे क्या होता था, इंटरचेंज कर देते हैं अल्फा कॉमा बीटा की जगह क्या आ जाएगा, बीटा कॉमा अल्फा। तो मैंने वही बोला कि जी एक्स पे इस पॉइंट का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या होगा इनवर्स पे इसके, इन दोनों को पलट के लिख दिया तो यही कोऑर्डिनेट आने वाला है, इन अल्फा कॉमा अल्फा को पलट के लिखूंगा तो क्या आएगा अल्फा कॉमा अल्फा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, देखो ना ध्यान से सुनना, इससे कंक्लूजन तुम्हें ये इतना लैंग्वेज फॉर्म है, जिस पॉइंट से देखो जिस पॉइंट पे y इज इक्वल टू fx एंड y इज इक्वल टू x इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से f इनवर्स पक्का पास करेगा। क्या लिखा, चलो लिख लेते हैं, इसको लिख देता हूं। मैंने बोला कि चलो जिस पॉइंट से y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड द लाइन y इज इक्वल टू x कट करेंगे जिस पॉइंट पे ऐसे लिख लो, जिस पॉइंट पर y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू x कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से एफ इनवर्स एक्स पास करेगा, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गई हमारी, ठीक है, समझ में आया। एक बार मैंने क्या स्टार्ट किया, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और वाई इज इक्वल टू एक्स लेट से कहीं कट कर रहे हैं, तो मैंने बोल दिया लेट पॉइंट ए पे कट कर रहे हैं तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट सेम होगा। फिर मैंने बोला इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट इनवर्स पे क्या होगा, इन दोनों को पलट के लिख दिया तो वो भी अल्फा कॉमा अल्फा आ गया, तो ये दोनों पॉइंट सेम आ गए,
इसका मतलब क्या निकला कि जिस इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां ये दोनों कट कर रहे हैं दैट इज पॉइंट ए, उस पॉइंट से इनवर्स भी पास करेगा। ठीक है, ये तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है। अब देखना, अब एक इंपॉर्टेंट इसी के आधार पे मैं एक स्टेटमेंट बोलूं, पहले तुम सोचना वो करेक्ट है या नहीं। मैंने बोला ये तो हो गया पॉइंट कंप्लीट मेरा, इसी नोट के अंदर है। अब मैंने बोला जिस पॉइंट से एफ एक्स और एफ इनवर्स पास कर रहे हैं उस पॉइंट से वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन पास करेगी, इज इट करेक्ट और नॉट? लिख लेता हूं, जिस पॉइंट से मैंने बोला जिस पॉइंट से y is equal to fx and y is equal to f inverse x पास करेंगे या इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट से y is equal to x लाइन पास करेगी। जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है ना? वीडियो पॉज करके सोचो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं। देखो पहला वाला तो करेक्ट है, ये तो हमने प्रूव कर लिया ऊपर, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज ट्रू। इज इट ट्रू और नॉट? जस्ट पॉज इट एंड थिंक इट, एक्चुअली दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसको समझते हैं आप, ठीक है ना? ये फॉल्स क्यों है? देखो दोनों स्टेटमेंट एक से नहीं लगने चाहिए तुम्हें। इधर तो मैंने बोला y is equal to fx and x जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं उससे इनवर्स पास करेगा पक्का, बट जिस पॉइंट से y is equal to fx और f इनवर्स पास कर रहे हैं जरूरी नहीं है उस पॉइंट से y is equal to x लाइन पास करें। ठीक है, इसको अब हम समझते हैं। ठीक है, उससे पहले क्या करो तुम लोग, इसको कॉपी कर लो, मैं रब कर देता हूं। मैंने क्या बोला, देखो लेट्स से मैंने बोला एक y is equal to fx कर्व है मेरा, y is equal to fx, तो लेट्स से इस पे एक पॉइंट है a जिसकी कोऑर्डिनेट अल्फा कॉमा बीटा, और इसी पे एक दूसरा पॉइंट है विच इज लेट्स से बीटा कॉमा अल्फा। ऐसा हो सकता है, मुमकिन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो इस पे 2, 1 कर्व है जिस पे 2, 3 भी आ रहा है और 3, 2 भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आ भी सकता है। अब मैंने लिया इसका जो इनवर्स होगा y is equal to f inverse x। अब सुनना a का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा, लेट्स से a1 बोल दिया मैंने उसको, तो a1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बीटा कॉमा अल्फा, और b का जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा इनवर्स पे उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, लेट्स से b1 एंड दिस विल बी इक्वल्स टू अल्फा कॉमा बीटा। इसको इंटरचेंज करके लिख दिया। अब तुम देखो कि अल्फा कॉमा बीटा एंड बीटा कॉमा अल्फा इन दोनों पॉइंट से y इज इक्वल टू fx और इनवर्स पास कर रहे हैं। देखो अल्फा कॉमा बीटा, तो बेसिकली जो a है वो बेसिकली b1 के बराबर है और जो मेरा b है वो बेसिकली a1 के बराबर है। तो अब देखो कि जो मेरा fx और f इनवर्स है वो क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहां, दो जगह कट कर रहे हैं, एक तो ए पॉइंट पे और एक बी पॉइंट पे। अब सोचो अगर अल्फा बीटा के बराबर नहीं हुआ, अल्फा जरूरी नहीं है ना अल्फा बीटा के बराबर हो, लेट्स से मैंने अल्फा को 2 ले लिया, बीटा को 3 ले लिया, तो क्या हो रहा है, क्या अल्फा कॉमा बीटा y इज इक्वल टू x लाइन पे लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। हेंस इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि जिस पॉइंट से y इज इक्वल टू fx और f इनवर्स x कट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, जरूरी नहीं है उस पॉइंट पे y इज इक्वल टू x लाइन कट करे या उस पॉइंट से y इज इक्वल टू x लाइन गुजरे। ठीक है ना, जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखता हूं, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं और क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने लिया 1 माइनस एक्स क्यूब और इसका इनवर्स जी, दिस इज लेट्स से एफ एक्स और इसका इनवर्स वाई इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स, इसका इनवर्स निकालोगे तो क्या करोगे, वाई को एक्स से रिप्लेस करोगे, तो इधर एक्स आएगा, इधर वाई आएगा, फिर वाई क्यूब इधर लेके गए 1 माइनस एक्स, फिर क्यूब रूट ले लिया, तो ये मेरा आएगा 1 माइनस एक्स का क्यूब रूट। देखना ध्यान से, मैं क्या समझा रहा हूं अभी कि y is equal to fx और f inverse x जिस पॉइंट से पास कर रहे हैं जरूरी नहीं है उस पॉइंट से y is equal to x लाइन पास करें। ठीक है, उसका मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस वाले कर्व पे एक पॉइंट है, लेट्स से मैंने x के लिए 0 रखा तो मुझे y मिला 1, इसी कर्व पे एक और पॉइंट लाई करेगा, अगर x को 1 रखा तो y मिला 0। नाउ यू कैन सी कि ये दोनों पॉइंट इस पे भी लाई कर रहे हैं, रख के देखो, x की जगह 1 रखा तो आउटपुट क्या मिला, 0, x की जगह 0 रखा तो आउटपुट क्या मिला, 1। Now you can see there are two point of intersection, किसके, fx और f inverse x के, which is 1, 0 and 0, 1। But क्या 1, 0 और 0, 1 y equal to x line पे आएंगे? कतई नहीं आएंगे। Hence जो मैंने बोला that is true for this particular example।
क्लियर हुआ। तो हमने दो पॉइंट पढ़े हैं, देखो दोबारा एक बार हम कंक्लूड करते हैं समरी को, इसके बेसिस पे हम एग्जांपल लेंगे। मैंने बोला कि y is equal to fx और y is equal to x जिस पॉइंट से पास करेंगे उस पॉइंट से तो पक्का इनवर्स पास करेगा, लेकिन y is equal to fx और y is equal to fx इनवर्स जिस पॉइंट से पास करेंगे उस पॉइंट से जरूरी नहीं है कि y is equal to x लाइन पास करे, जरूरी नहीं है बोला मैंने, ठीक है ना, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट इससे पहले वाला जो बोला उसमें तो पक्का पास करेगा, ठीक है ना। चलो अब तो इसके आधार पर मैं देखो इसकी एप्लीकेशन क्या आएगी, इस पर्टिकुलर नोट की एप्लीकेशन क्या आएगी क्वेश्चन में, वो बोलेगा फाइंड द सॉल्व द इक्वेशन fx = f इनवर्स x इस टाइप का। तो अब मैं ट्रू फॉल्स के तो मैंने टर्म में बोल रहा हूं, पहले ट्रू फॉल्स देखता हूं। मैंने बोला कि लेट्स से मैंने ऐसे बोला कि y = fx सॉरी fx = f इनवर्स x को सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू सॉल्व करना fx = x इज करेक्ट और नॉट, ठीक है उसको लिख लेते हैं हम, ठीक है ना, ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। मैंने क्या बोला, ट्रू और फॉल्स है, मैंने बोला सॉल्विंग द इक्वेशन fx इज इक्वल टू f इनवर्स x इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग fx इज इक्वल टू x, इज इट ट्रू और फॉल्स, जस्ट थिंक इट बेस्ड ऑन द जो भी हमने दो स्टेटमेंट पढ़े, दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स क्यों है, क्योंकि fx और f इनवर्स x का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जरूरी नहीं है fx x पे लाई करे, y इज इक्वल टू x पे, ये दोनों अलग जगह भी कट कर सकते हैं, जैसे हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा 1 माइनस एक्स क्यूब एंड 1 माइनस एक्स का क्यूब रूट, ठीक है ना, दोनों जो कर्व थे उनका इंटरसेक्शन क्या था 1,0 एंड 0,1, बट 1,0 एंड 0,1 y इज इक्वल टू x लाइन पे तो लाई नहीं कर रहे थे, हेंस दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ये ट्रू कब होगा, अगर मान लो मुझे वो पॉइंट निकालने हैं Which lies on y is equal to x, तब मैं ऐसा कर सकता हूं। मैंने बोला to find point of intersection of this, these both curve, which lies on y is equal to x, we can solve fx is equal to x। तो है वो पॉइंट जो y is equal to x पे लाई करना है, कौन से पॉइंट, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, बट इन जनरल इन दोनों को सॉल्व करना इज नॉट इक्विवेलेंट टू इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलो तो वीडियो पॉज करो, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स को कॉपी करो। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल जो तुम लोगों के एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे पास ले लेता हूं, जैसे देखो क्या लिखा है उसने क्वेश्चन, लेट f डिफाइंड फ्रॉम 5, ∞ टू 3 क्लोज से इंफिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28, देन फाइंड वेदर f इनवर्स x एग्जिस्ट और नॉट, पहली बात तो ये बताना, ठीक है ना, एंड इफ इट एग्जिस्ट Then solve for fx is equal to f inverse x, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हो गया, वीडियो पॉज करो, तुम लोग इसको पहले कॉपी करके पहले उससे ट्राई करो, मैं इसका सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। तो देखना, सबसे पहली बात तो हम इसको भूल जाते हैं एक मिनट के लिए, पहले इसको वेरीफाई करते हैं, दिस इज इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं। तो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, मैंने फंक्शन इज 1, 1 एंड ऑन 2, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो इसको मैं ग्राफिकली देख रहा हूं, तो लेट मी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस कर्व। तो देखो मैंने बोला इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है ना, तो इसके रूट्स देखते निकालने की जरूरत पड़ती है कि नहीं, चलो रूट निकाल ले लेते हैं, काम करते हैं इसके रूट निकाल लेते हैं हम। तो देखो रूट क्या है मेरा 10 और 28 है तो 7 निकाल लेते 10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 28 इंटू 4, तो रूट्स तो रियल नहीं आ रहा है, ठीक है। चलो तो फिर रूट्स तो रियल नहीं आ रहा है, तो रूट निकालने की जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं छोड़ देते हैं क्योंकि डी इज नेगेटिव। तो अब देखना इसका वर्टेक्स क्या है, x इज इक्वल टू 5,
तो यहाँ तो वर्टेक्स होगा 5 पे, तो पैराबोला मेरा कुछ इस टाइप का होगा, y इंटरसेप्ट इज 28, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये तो हो गया पूरा, बट दिस इज नॉट एक्चुअली f(x) क्योंकि उसने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया है। उसने क्या लिखा है, डोमेन इज 5 टू इंफिनिटी, तो 5 टू इंफिनिटी के लिए मेरा कितना पैराबोला आएगा यहां से इंफिनिटी तक, तो ये पार्ट मैं रफ कर देता हूं, दिस इज द एक्चुअल ग्राफ। तो अब देख रहा है क्या, अब ये मैं वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन कोई कट करेगी इसको दो जगह नहीं, तो ये क्या हो गया 1 1, तो ये मेरा 1 1 हो गया। अब मैं देख लेता हूं क्या ये ऑन टू है, अगर ऑन टू भी हो गया तो मेरा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। तो मैंने बोला ऑन टू के लिए क्या करूं, रेंज देख लेता हूं, तो 5 पे वैल्यू कितनी आ रही है 25, एफ ऑफ 5 कितना है मेरा, एफ ऑफ 5 25 माइनस 50 प्लस 28, तो ये माइनस 25 और 28 3 आया, तो ये मेरा पॉइंट कितना है 3। तो इसकी रेंज कितनी हो गई, प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस व्हिच इज 3 टू इंफिनिटी। अच्छा, और ये मेरा क्या है, कोडोमेन बराबर आ गया, hence inverse exist करेगा क्योंकि function 1 1 है on 2 है। तो अब function 1 1 है on 2 है, ठीक है, ये proof हो गया मेरा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इसका inverse की बात कर लेता हूँ। तो देखो इसका जो inverse होगा उसने बोला exist कर रहा है। अब मैंने बोला इस क्या, पहले मैंने बोला कि इसको solve करना, is it equivalent to इसको solve करना f x is equal to x, तो मेरा statement होगा नहीं, ये तो अभी हमने true false पे देखा, but graphically हम verify करेंगे कि ये correct है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्यों, देखो अब मुझे पता है कि fx और f इनवर्स x क्या होता है, y इक्वल टू x लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, तो मैंने क्या किया, y इक्वल टू x लाइन बना दी, सॉरी दिस इज नॉट द लाइन, ये मेरा f लाइन है, दिस इज y इक्वल टू x लाइन, ठीक है। अब मैंने बोला कि देखना ध्यान से, ये मैंने टच नहीं किया था, ठीक है ना, दिस इज 5। अब मैंने इसका इनवर्स क्या होगा, मुझे पता है कि fx और f इनवर्स x होता है, मिरर इमेज अबाउट y इक्वल टू x है, तो इफ वी विल ड्रॉ द मिरर इमेज तो देखना कैसा आएगा, ये दिस इज y इक्वल टू f इनवर्स x एंड दिस इज y इक्वल टू fx। तो अब मैं ग्राफिकली बोल सकता हूं कि ग्राफिकली ये दोनों इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं, y इक्वल टू x लाइन पे, क्योंकि अब क्लियर है कि ये फंक्शन, ये वाला पैराबोला है जो fx y इक्वल टू fx है वो तो ऊपर जाता जाएगा और ये जो इनवर्स है वो ऐसे जाएगा, तो ऐसा तो नहीं आगे आके टेढ़ा हो जाएगा ऊपर जाके तो इंटरसेक्ट करें कहीं और जगह, नहीं, तो फिर द फिगर वी कैन सी कि इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां लाइन करता है, y इक्वल टू x लाइन पे। इसलिए मैं बोल सकता हूं कि इसको सॉल्व करना इज इक्विवेलेंट टू इसको सॉल्व करना, और ये आसान है ऑफ कोर्स, ठीक है ना, ये आसान है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट्स सॉल्व दिस, तो मैंने लिखा x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 28 इज इक्वल टू x, इससे मेरा x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब रूट्स देख लेते हैं उसके, ऑब्जर्वेशन से 28 किसके 28 एक मिनट को, 28 हमने 2 into 14 या फिर 4 into 7 7 4 11 आ गया, ठीक है, तो इसके रूट्स क्या है हमारे 7 into 4, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 7 कॉमा 4.7। तो इसका मतलब देखो दो वैल्यू आ क्यों रही है, बिकॉज हमने तो क्या किया है इन दोनों को पूरा पूरा सॉल्व किया है, क्योंकि देखो ये जो पैराबोला है वो तो ऐसे जाएगा ना, एक्चुअली द पैराबोला इज दिस ना, तो हमें दो पॉइंट क्यों मिल रहे हैं, देखो ध्यान से बच्चों, एक तो ये मिल रहा है और एक ये मिल रहा है, मेरे काम का क्या है, ये वाला तो है नहीं क्योंकि ग्राफ इधर तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, तो ये एक्चुअली जो आ रहा है तुम्हारा दैट इज एक्स इज इक्वल टू 7, तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया 7 कॉमा, और जो भी इस पे वैल्यू आ रही है उससे मतलब नहीं, मुझे सॉल्व करना है, मतलब क्या होता है x की वैल्यू निकालना, तो मेरा फाइनली आंसर इज 7, ठीक है। अच्छा, तो बस इतना ही इसमें पूछा, अगर इनवर्स पूछा होता तो इनवर्स भी निकाल लेते, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वाड्रेटिक है इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक है ना, कैसे निकालेंगे इनवर्स चलो वो भी देख लेते हैं, मैंने बोला ऐसे पूछा नहीं है, ऐसा लिख लो नहीं तो फाइंड f इनवर्स आल्सो, ठीक है ना, क्योंकि इसमें तो एग्जिस्ट पूछा था, निकालने को तो बोला नहीं था, तो इनवर्स निकाल लेते हैं एक बार, प्रैक्टिस हो जाएगा हमारा इनवर्स का भी। तो मैंने बोला क्या करते हैं इनवर्स के लिए, पहले तो प्रूफ करते हैं जो कि हम कर चुके कि 1 1 1 1 एंड ऑन टू है। अब मैं इसमें x के y को रिप्लेस कर देता हूं, तो x = y² - 10y + 28, ठीक है, तो मेरा इधर से आया y² - 10y प्लस 28 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, अब क्वाड्रेटिक इन वाई सॉल्व कर लो तो क्या आएगा, वाई इज इक्वल टू 10
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 100 माइनस 4 इंटू 28 माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये मेरा इनवर्स हो जाएगा। पर इधर क्या मल्टीपल डेफिनेशन आई है, अब तो मैं रिजेक्ट करना है विच इज करेक्ट। तो देखो ध्यान से और सोचो कौन सा करेक्ट होगा, प्लस वाला या माइनस वाला, वीडियो पॉज करो मैं बता रहा हूं अभी। उसके लिए मैंने क्या बोला था, टेक हेल्प ऑफ दिस, क्योंकि जो मेरा इनवर्स है वो कहां से कहां डिफाइन होगा, ये a टू b है, तो इनवर्स कहां होगा, b टू a, मतलब 3 कॉमा इंफिनिटी से 5 कॉमा इंफिनिटी। तो देख लो 5 कॉमा इंफिनिटी कब आएगा, दैट यू कैन सी की प्लस लेने पे आएगा, ठीक है। तो मेरा फाइनल इनवर्स हो गया 10 प्लस अंडर रूट ऑफ जो भी आ रहा है अपॉन 2। हालांकि पूछा नहीं था इस क्वेश्चन में इनवर्स, उसने इतना बोला था कि एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत आती है इस पर्टिकुलर पार्ट में तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना, आज के आज क्लियर कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इनवर्स फंक्शन के लिए इतना काफी है। अब एक लेक्चर और बचता है हमारा फंक्शन पे, उसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे लिमिट, ठीक है बच्चों, ओके थैंक यू।